इस संसार में जो कुछ भी होने वाला है उन सभी घटनाओं का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण में भी हमें जीवन मृत्यु से लेकर कई ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो हमारे आसपास घट रही है। जैसे विष्णु पुराण में धन के बारे में लिखा गया है कि भविष्य में धन ही ईश्वर बन जाएगा और लोग ईश्वर को छोड़कर धन को पूजने लग जाएंगे। इसी तरह विष्णु पुराण में मौसम और प्रकृति के संबंधों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। बढ़ती गर्मी को लेकर विष्णु पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो सच होती नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं विष्णु पुराण में बढ़ती गर्मी के बारे में क्या लिखा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जब पृथ्वी भीषण गर्मी से जूझ रही होती है तो ये प्रलय का संकेत भी है। तब भगवान विष्णु सूर्य की सातों किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को खुद में सोख लेते हैं और समुद्र, नदियों, पर्वतीय क्षेत्रों से नमी और जल पूरी तरह से सोख लेते हैं। तब भगवान के प्रभाव से जलपान से युक्त होकर वे सातों सूर्य रश्मियां सात सूर्य बन जाती हैं। पृथ्वी पर भीषण गर्मी जनजीवन के अंत का भी संकेत है। उस समय ऊपर नीचे सब ओर तेज प्रकाश होता है क्योंकि सातों सूर्य किरणें भूलोक से लेकर पाताल तक संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। पूरी दुनिया, नदी, पहाड़, वन सब सपाट होकर समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी किसी कछुए की पीठ की तरह कठोर हो जाती है। इस तरह भीषण गर्मी धरती के अंत का संकेत भी है। विष्णु पुराण के अनुसार गर्मी और फिर सूखे की स्थिति से जूझते हुए पृथ्वी प्रलय की तरफ बढ़ रही है।